Employment of domestic workers in Islamabad Capital Territory. The Islamabad Capital Territory Domestic Workers Bill 2019. Minister for Interior, do you oppose it? Minister Interior. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, we oppose this bill. Ji. We oppose this bill, and the reason is. No cross talk, please. Ji, please. The reason is, sir. मैं इससे थोड़ा साइलेंट फीचर लेता हूं, इसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर लेंगे प्लीज. वो साइलेंट फीचर बता दे, क्योंकि आपने पोस्ट कर दिया, वो साइलेंट फीचर बता देंगे इसके बाद आप. जी प्लीज, साइलेंट फीचर क्या है इसकी? जी शुक्रिया मिस्टर स्पीकर. अभी कुछ अरसा पहले उज्मा एक बच्ची थी जिसको उसके जो इम्प्लॉयर्स थे उन्होंने इलेक्ट्रिक्यूट करके बोरी में बंद करके मार के फेंक दिया. वो इम्प्लॉयड थी उनके घर पे. और उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि उसको भूखा रखा जाता था और उसने बचे हुए खाने में से एक लुकमा खा लिया था जिसपे उसको रॉड से मारा गया. और ये है हकीकत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के मुलाजमीन की. यहाँ पर कोई तहफ्फुज देने का कोई इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है. और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, कोई भी चीज मौजूद नहीं है. और ये हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनकी, कोई हेल्थ का, उनके कोई बेनिफिट्स का, कोई मिनिमम वेजेस का कुछ भी नहीं है. उनको कानूनी तहफ्फुज देना चाहिए, उनको एक रेगुलेशंस की एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस देनी चाहिए, उनके हकूक की हिफाजत होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम करने चाहिए, काम का माहौल जो है वो साजगार होना चाहिए, सोशल प्रोटेक्शन, वेलफेयर, औकातकार, मिनिमम वेजेस, इंटाइटलमेंट ऑफ लीव, ये सब चीजें उनके कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए. इसलिए इस बिल की बहुत जरूरत है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में. जी मिनिस्टर साहब प्लीज, मिनिस्टर इंटीरियर प्लीज. सर मैं मेरी गुजारिश यह है कि जो इन्होंने इंसिडेंट कोट किया है मैं कोई उसको अप्रूव नहीं कर रहा. दिस वॉज ए वेरी बैड इंसिडेंट, बट दिस वॉज ए वन इंसिडेंट. इशू यह है सर कि अगर आप इस बिल को पढ़ें तो आप इसकी सारी क्लाजेज पढ़ें तो इससे होगा ये कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो जिस मर्जी घर में चला जाए. एक तो ये बात है. दूसरी मेरी बात यह है सर कि देर आर सर्टन वैल्यूज, हमारी सोसाइटी की सर्टन वैल्यूज है सर, बड़े की इज्जत करो, छोटे से प्यार करो, शफकत से पेश आओ. अगर आप इसके ऊपर भी बिल और ला लाना शुरू कर दिया तो फिर हमारा अल्लाह हाफज है. मैं ये नहीं कहता कि जो उन्होंने बात की है, एक दो इंसिडेंट इस्लामाबाद में हुए बट इस्लामाबाद की आबादी कितनी है, दो इंसिडेंट के ऊपर आप एक ऐसा बिल नहीं ला सकते जिससे कि हमारी वैल्यूज हर्ट हो, जिससे कि हमारे घर की चार दीवारी हर्ट हो. आगे आप मर्जी के मालिक है. मेरी सबमिशन, मैं मिनिस्टर साहब से एक मिनट, मैं थोड़ा इस पर कमेंट्स कर लूँ. जी मिनिस्टर साहब, मैं अगर इसको हम अगर इस पर कमेटी में भेजें वहां डिस्कस हो जाए, अगर आपकी कोई कंसर्न है तो वो भी एड्रेस हो जाएंगे. मेरे ख्याल में ये इश्यू सेंसिटिव है. इफ यू परमिट जी मैं जी प्लीज. वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ यू वांट टू सेंड इट टू द कमेटी सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Now I put the motion to the House. The question is that the leave to introduce a bill to provide for the regulation of employment of domestic worker in Islamabad Capital Territory, ICT, the Islamabad Capital Territory Domestic Worker Bill be granted. All those in favour of it may say aye. Aye. All those against say no. I think the ayes have it, and the bill is. The leave is granted. The leave is granted. Ji, please, madam. Item number five. Mehnaz Akbar Aziz. To move the item number five. क्या करूं? I introduce, please. Sorry. आप पढ़ लें. आप bill introduce करें अभी. ओहो. कहाँ? इस. हाँ जी. Thank you, sir. I beg to move for leave to introduce a bill. Sir, नहीं, टाइटल पढ़ ले, ओनली टाइटल. थैंक यू सर. आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ बिल टू प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन
of Employment of Domestic Workers in Islamabad Capital Territory, ICT, the Islamabad Capital Territory Domestic Workers Bill 2019. Thank you. The bill in question stands introduced. Point of order. Item number 6. Ms. Kishore Zehra. Point of order, please. Shukriya, Speaker Sahab. میں تحریک پیش کرتی ہوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں مزید ترمیم کرنے کا بل دستور ترمیمی بل 2019 آرٹیکل 51 اور 59 پیش کرنے کی اجازت دی جائے جی منسٹر فالا اینڈ جسٹ ڈو یو اپوزٹ ملکہ صاحب پلیز جناب اسپیکر فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دی آنریبل ممبر فار ریزنگ دس ویری امپورٹنٹ ایشو اباؤٹ دی ریپرزینٹیشن آف ڈسیبلڈ پیپل ان پارلیمنٹ The Honourable Member is seeking to amend Article 51 and 59 of the Constitution and she is seeking to introduce 4 seats for disabled persons in the National Assembly and Senate. Janab Speaker, in spirit, we do not disagree with the spirit of this bill because we fundamentally believe that no individual should be barred from being present in the National Assembly because they have a disability. But I think this bill requires further debate. It also requires the comments of the Election Commission. So, meri aapse guzarish hogi ki is bill ko Standing Committee for Law and Justice mein bhej dein. اپوز نہیں کر رہی ہے مطلب اوکے نو آئی پٹ دی موشن ٹو دی ہاؤس دی کوشچن از دیٹ ڈیڈ یو ٹو انٹروڈیوس اے بل فردر ٹو امینڈ دی کنسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان دی کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل 2019 آرٹیکل 51 اینڈ 59 بی گرانٹیڈ آل دوز ان فیور آف اٹ میں سے آئے آل دوز اگینسٹ سے نو آئی تھنک دی آئیز ہیو اٹ اینڈ دی لیو از گرانٹیڈ آئٹم نمبر 7